नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। पेशी पर आए विचाराधीन कैदियों में हुआ संघर्ष, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे कोर्ट परिसर। आपको बता दें कि गुना कोर्ट पेशी पर आए विचाराधीन मुलजिम में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिनमें एक कैदी की नाक से खून तक निकल आया। पूरा मामला ये है कि मोहर सिंह पारदी और राम पूजन पारदी, जो आपस में भाई हैं, और इन दोनों पर ही विभिन्न धाराओं में अलग अलग स्थानों पर कई मामले दर्ज हैं। वहीं कैदी बैरक में एक और पारदी अपराधी रघु, जिस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तीनों को एक ही बैरक में रखा गया था। जबकि पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक सभी को ये मालूम है कि मोहर सिंह और रघु पारदी के बीच तनातनी शुरू से ही चलती आ रही है, जिसके चलते आज संघर्ष कैदी बैरक में हुआ। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट परिसर में जहाँ इन कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर पुलिसकर्मी पहरा भी देते हैं, साथ ही निगरानी भी रखी जाती है। उन सभी के होते हुए यह घटनाक्रम घटित हुआ, जिसके चलते रघु पारदी की नाक में चोट आई और उसे मेडिकल कराने के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। इस मामले में जब हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल से बात की, तो उन्होंने बताया कि उस समय कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात सभी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि मोहर सिंह पारदी को कुछ विशेष सुविधाएं जेल परिसर में मुहैया कराई जाती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह जेल का मामला है और वही अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसी सुविधाएं दे रहे हैं और कैसी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब गंभीर मामलों में विचाराधीन कैदियों के बारे में सभी को पता, तो पर यह घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। वहीं सूत्र बताते हैं कि मोहर सिंह पारदी को विशेष सुविधाएं विशेष पुलिसकर्मियों द्वारा जेल में ही दी जाती हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते जो सूत्र कहते हैं। क्या हुआ? मुलजिम पेशी ड्यूटी के लिए गार्ड लगाया गया था और गार्ड में कुछ जवान ड्यूटी से गैरहाजिर थे। उनकी ड्यूटी की लापरवाही के लिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उसकी जांच करके जो भी तथ्य आगे आता है तदनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। पहले से पता था दोनों कैदी, जो तीन कैदी हैं, उनके आपस में नहीं बनती और कहीं ना कहीं बड़ा गहरा बैर है, तो इनको एक ही बैरक में क्यों रखा गया था? बैरक में चूँकि गार्ड पर्याप्त लगाया गया था, लेकिन पुलिस जो गार्ड लगाया गया था वो नहीं पहुँचे थे, इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ बनी और उसमें कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है और उनको निलंबित कर दिया गया है, उनकी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि मोहर सिंह को कुछ खास व्यवस्थाएं सुविधाएं दी जाती हैं जेल में, तो वो क्या सही है? कोर्ट का जेल का मामला है, उसमें क्या सुविधाएं दी जाती क्या नहीं जाती वो उससे संबंधित है। माता के भक्त निकले साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा पर। स्थानीय पटार मोहल्ले से माता के भक्त वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हैं। इन भक्तों की यह यात्रा लगभग 15 दिन में पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह यात्रा ग्वालियर दिल्ली होते हुए वैष्णो देवी पहुंचेगी, जहां सभी भक्तगण माता वैष्णो देवी के दर्शन के उपरांत गुना वापस लौटेंगे। आज उन सभी भक्तों का स्थानीय पटार मोहल्ले में बड़े ही धूमधाम एवं भक्तिभाव के साथ विदा किया गया एवं स्वागत भी किया गया। यात्रा करने वालों में विनोद कुमार ओझा, कमल सिंह कुशवाहा, राम भरोसा कुशवाहा, अंकित कुशवाहा, धनालाल लोधा, कमल पाल, भैया लाल, मनोज कुशवाहा शामिल हैं। इस यात्रा के मौके पर स्थानीय पार्षद खालिद बंटी एवं घनश्याम रजक द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। इसी कड़ी में अनमोल सलूजा के द्वारा भी इन सभी यात्रियों का स्वागत एवं सत्कार किया गया। इनकी सुखद यात्रा की कामना की गई। Thank you.
पटवारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश के सभी विधायकों को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी 13 सूत्री मांगें जल्दी पूरी करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इसी तारतम्य में गुना विधायक पन्नालाल शाके के निवास स्थान पर पहुंचकर पटवारी संघ ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा एवं अपनी 13 सूत्री मांगे बताई, जिनमें विशेषकर वेतन अनियमितताओं को लेकर एवं अनुकंपा नियुक्ति की बात कही गई। देखना ये होगा कि किस तरह से प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर अनुमान करती है। भारत की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं देखो, कुछ नहीं करना, अपन सब शिक्षित होने के नाते पढ़े लिखे देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तो अपनी सारी बातें बताई, देश खंडित हो गया, वर्तन हो गया, बनाए लोगों से अपन अपनी गोभी दे दो, मैं एक गोभी दे दो, ठीक है, ठीक है, हम आए बहुत बढ़िया, लगा लगा था कि भाई पहले हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, आज सेकेंडरी करी और फिर हमको नौकरी मिल गई, इसे अच्छा लगा, थोड़ा इंतजार करना, हम बात रखेंगे आपकी, आप लोग पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सभी प्रदेश के 230 विधायकों, 29 सांसदों और 11 राज्यसभा सांसदों को रक्षा सूत्र बांधकर हमको ये 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देना है। उसी तारतम्य में आज गुना विधायक माननीय पन्नालाल जी साहब को हम लोगों ने गुना संगठन की ओर से रक्षा सूत्र बांधकर जो 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, उसमें मांग की है कि मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है, जबकि पंचायत सचिव को उससे वंचित किया गया है। उसको अन्य कर्मचारियों को जिस तरह 7वें वेतनमान का लाभ दिया है, हमको भी प्रदान किया जाए। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति जो 2008 से लागू की गई है, उसमें रोस्टर प्रणाली लगा दी गई है और रोस्टर को खत्म करके जो हमारे साथी दिवंगत हो गए हैं उनके बच्चों की नियुक्तियाँ स्वीकृति से किया जाए। ऐसी बातों को लेकर 13 बिंदु हैं हमारे, जिसकी हमने मांग रखी है और माननीय विधायक महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि 4 से 5 तारीख को हम जाएंगे और CM के समक्ष उक्त मुद्दा उठा के इसका निराकरण तुरंत कराएंगे। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक एक निजी होटल में रखी गई। इस कार्यशाला का आयोजन 3 चरणों में किया गया, जिसमें सभी को ये बताया गया कि किस तरह से सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत कराना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस कार्यशाला का आयोजन करने का प्रमुख मकसद आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना है। साथ ही यहाँ पर पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि किस तरह से उन्हें पार्टी की टीम को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा मतों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाना है। तो हर स्तर पर प्रत्येक मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए हमारी कठोर भूमिकाएं बने, इसलिए मतदान केंद्र जो हमारे लोग रक्षा के तत्व चुनाव जीता,
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। मैं इकाई का पिछले 7-8 वर्षों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्टी नहीं थी और वो एक महत्वपूर्ण हमारी इकाई है जो हमारा ग्राम केंद्र और नगर केंद्र है। एक विशेष क्षेत्र को फोकस करते एक सीमित क्षेत्र को आधार बना करके उस ग्राम केंद्र नगर केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो मतदान केंद्र है वो मतदान केंद्रों पर हमारी मजबूती बनाए। हम हर स्तर का सामना करने के लिए हमारा कार्यक्रम तत्पर हो रहा है। ग्राम केंद्र के नगर केंद्र के संयोजक भाजपा के मंडल के पदाधिकारी मोर्चों के मंडलों के अध्यक्ष और भाजपा के जिला पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। आगे द्वितीय सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे दोनों विधायक बहन ममता जी माननीय पन्नालाल जी, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो पेड का हमको दिया गया है रजिस्ट्रेशन के समय उसको खोल के रख लें, अपनी पेन डायरी निकाल लें। जब कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम चाहे दिल्ली में करें चाहे भोपाल में करें चाहे दिल्ली में करें चाहे मुंबई में करें अगर उन सारे कार्यक्रमों का प्रभाव मतदान के तो पड़े दिया जा रहा है क्योंकि आप हम जानते हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे इसका निर्धारण मतदान के आधार पर होता है। इसलिए हमारे जो संगठन के काम बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किस तरह से बाढ़ आने पर बचा जा सकता है इसके लिए आज ग्वालियर की टीम के सदस्य गुना पहुंचे और जानकारी दी। बाढ़ आपदा प्रबंधन के ग्वालियर इकाई के द्वारा भेजे गए टीम ने स्थानीय कलेक्ट्रेट भवन में ये जानकारी उपलब्ध कराई कि किस तरह से बाढ़ आने पर बचा जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश भर में तेज पानी आ रहा है एवं कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इन विषम परिस्थितियों में किस तरह से निपटा जा सकता है उसके बारे में ग्वालियर से आई टीम ने यह जानकारी उपलब्ध कराई। रोड पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला के चलते दिन में कई बार जाम की स्थिति के चलते वाहनों की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है। रेलवे स्टेशन मार्ग चूंकि सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग है के नजदीकी एक निजी होटल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके कारण वाहनों की आवक ज्यादा होने के चलते बार बार जाम लग रहा था। वहाँ पर तैनात यातायात कर्मियों ने सुचारू करने में मदद की लेकिन उसके बावजूद भी वाहन जाम में फंसते दिखाई पड़े। बीनागंज में आज साईं भक्तों द्वारा एक चल समारोह निकाला गया। निचले बाजार से मुख्य मार्ग होते हुए बैंड बाजों के साथ साईं बाबा की पालकी यह यात्रा बस स्टैंड तक निकाली गई। साईं पालकी के साथ नाचते गाते बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लिया। अस्पताल स्थित साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पदयात्रियों का एक जत्था साईं धाम शिरडी के लिए रवाना हुआ।
बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। कहने को गुना में बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसाल, जिसे केवल खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों को समर्पित किया गया था, लेकिन ये खेल प्रसाल मात्र शासकीय कार्यक्रम कराने का एक मैदान बनकर रह गया है। वैसे भी शहर में केवल दो ही जगह ऐसी हैं जहां बच्चे खेलते हैं, एक है संजय स्टेडियम और दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसाल, जहां आज तक इतने खेल नहीं हुए जितनी यहां पर शासकीय गतिविधियां हुई हैं। इन सब के बाद अगर प्रशासन या सरकार चाहे कि खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत कर लाएं तो कैसे, जब शहर में खेलने के लिए कोई भी मैदान उपलब्ध नहीं है, खिलाड़ी प्रैक्टिस करें तो कहां, ये एक बड़ा सवाल। आए दिन यहां पर कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके बाद इस मैदान में हो जाते हैं बड़े बड़े गड्ढे, जिसकी भरपाई ना तो शासन करता है और ना ही जिला प्रशासन। खेल प्रेमियों ने इस बात को लेकर काफी विरोध भी किया, यदि इस तरह से चलता रहा तो कैसे गुना के खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे और राज्य स्तरीय या फिर अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीत दर्ज करा पाएंगे। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।